अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का जिक्र होगा, वो ये है कि आपके डेस्कटॉप पे जो आइकन शो होते हैं वो नॉर्मली शॉर्टकट की फॉर्मेट में होते हैं। हमने विंडो 10 इंस्टॉल की है, आपने अक्सर देखा होगा कई लोगों के पास आइकन आ रहे होते हैं और वो शॉर्टकट के फॉर्मेट में होते हैं, जो कि नॉर्मली अच्छा नहीं होता, आपको वो फुली तौर पे काम भी नहीं करते हैं और आपको परेशानी भी रहती है। इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि ये देखें, मेरे पास ये विंडो 10 इंस्टॉल हुई है, अब इसके डेस्कटॉप के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, माइक कंप्यूटर या इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ रिसाइकल में शो हो रहा है। ये देखें, अब हमने यहाँ पे मल्टीपल आइकन शो करने हैं जो कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में होंगे। यहाँ हम जाएंगे पर्सनलाइज में, गौर से देखें पर्सनलाइज, ये विंडो 10 के ऑप्शन है, इसमें आगे आएगा थीम का ऑप्शन। अब हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं एडवांस साउंड सेटिंग, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे कंप्यूटर, यूजर, नेटवर्क, जो जो यहाँ पे ऑन करेंगे यहाँ पे ये शो हो जाएंगे। तो इसे करने के बाद क्या होगा, ये देखें हमारे पास चीज़ें हमारी शो हो गई, ठीक है, ये सारे हमारे पास शो हो गए हैं। तो इसका बताने का मकसद ये है कि अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अगर हम बाहर बाहर से रहते हैं ना, हमारे पीसी वगैरह या जो चीज़ें पड़ी होती हैं ये, ठीक है, हम करते हैं पीसी, ये पीसी आ गया। इस अगर मैं ऐसे करता हूँ डेस्कटॉप पर शो करना चाहते हैं, ठीक है, क्या करेगा ये, यहाँ पर शॉर्टकट बन के आ जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो इस तरह हमारा डेस्कटॉप ऊपर अपने आइकन शो कर सकते हैं और हाइड भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। मतलब ये छोटी सी वीडियो को मतलब अक्सर लोगों को नहीं पता होता यार हम कैसे शो करें इनको, यहाँ से ही हम मतलब अपने आइकन वगैरह बड़े छोटे भी कर सकते हैं, व्यू के ऊपर आटो रेंज लाइन टू ग्रेड, ये सब नौ ऑप्शन के इधर ही आते हैं इसके।